हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2nd of July और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ आफ्टर 3-4 डेज। तो व्लॉग में एक्चुअली होता क्या है, मेरा व्लॉग इतना करने का मन नहीं करता है, एवरीडे व्लॉगिंग मुझसे नहीं होती है। तो एवरीडे सुबह उठने के साथ मैं सोचती हूँ कि मैं आज व्लॉग करूँगी और पूरा माइंड मेरा प्रिपेयर्ड रहता है कि आज व्लॉग करना है, व्लॉग करना है। क्योंकि व्लॉग में क्या रहता है, पूरे दिन मतलब, या तो फिर अगर आप आफ्टरनून व्लॉग कर रहे हो, इवनिंग व्लॉग कर रहे हो, तो वो पूरा लाइक 3-4 आवर्स या जो भी आपका टाइम है, वहाँ कैमरा आपको लेके घूमना पड़ता है। वो मुझे बहुत ही बोरियत लगता है एंड फॉर मी व्लॉगिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मेरी पर्सनल चॉइस इतनी नहीं है व्लॉगिंग के लिए। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे दूसरे वीडियोज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज फाइनली मैंने मन बना लिया है और मैं शूट कर रही हूँ। और कल रात को यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था। नॉट ओनली कल रात को, मतलब कल शाम की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 3-4 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम है। और कल शाम को क्या हुआ था, पूरा स्काई ऑरेंज हो गया था सनसेट के टाइम पे, एंड हमारे यहाँ से जो फुटबॉल ग्राउंड का व्यू है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। तो कल मेरे इंस्टा स्टोरी पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो दे दिया है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो मैंने स्टोरी डाली थी जिसके अंदर आप देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से व्यू। और अभी भी खैर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक क्लाउडी है और यहाँ से पूरी ग्रीनरी दिखती है। तो मुझे स्पेशली बालकनी में या फिर किसी भी रूम के विंडो से, क्योंकि हमारे हर एक रूम के विंडो से यू व्यू दिखता है और हर एक बालकनी से भी दिखता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड हम लोग कल जा रहे हैं एक रिसॉर्ट जो अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक है, और हम मैं और जयदी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि किसी जगह पर जाते हैं 1 or 2 डे के लिए, थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आते हैं। क्योंकि जयदी को इतनी छुट्टी नहीं मिल रही है आजकल, तो 4-5 डेज जाना डिफ़िकल्ट है, बट 1 or 2 डे किसी रिसॉर्ट में जाके थोड़ा रिलैक्स करके वापस आते हैं। तो जो रिद्धि है मेरी फ्रेंड, उसने सजेस्ट किया कि एक रिसॉर्ट है जो अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक है एंड इट्स क्वाइट गुड, तो जाकर आते हैं वहाँ पर। और तभी जिग्नेश और अंकु जो जयदीप के फ्रेंड्स है, उनकी ऑफ है, मतलब वो भी पायलट है। तो मतलब इनकी जॉब में क्या होता है कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहते हैं, उनका जो काम का जो टाइमिंग्स रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं। और नॉर्मली बाकी सब जॉब में ये होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और तभी आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं साथ में मिलके जाने के लिए। बट जयदीप की जॉब में ऐसा है कि टाइमिंग्स बहुत ही ऑड रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर जयदीप घर पे है तो जिग्नेश और अंकु फ्लाई कर रहे होते हैं, और अंकुर और जिग्नेश घर पर है तो जयदीप फ्लाई कर रहे होते हैं। तो सबको साथ में छुट्टी मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और साथ में मिल गई है तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग कहीं जाकर आते हैं। और रिद्धि ने तभी सजेस्ट किया कि हम लोग उस रिसॉर्ट में जाते हैं। तो रिसॉर्ट में जाने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एक ही दिन, मतलब कल सुबह हम लोग निकलेंगे और परसों दोपहर में हम लोग वापस आ जाएंगे, तो 1.5 डे का अच्छा सा एक पिकनिक टाइप हो जाएगा। तो कल जाएंगे हम लोग सुबह सुबह, उसके लिए थोड़ी सी पैकिंग हो गई है, थोड़ी सी बाकी, क्योंकि एक ही दिन के लिए पैकिंग करनी है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी थोड़ा सा शॉपिंग करके आएंगे, उसके बाद में जो पैकिंग बाकी है वो मैं पैकिंग कर लूँगी। और शॉपिंग में भी मेरी मम्मी आई हुई है, तो मम्मी के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी है, मम्मी को कुछ ड्रेसेस और सब खरीदना है, मुझे भी कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। वियान कैसे वेट कर रहे हैं कि वियान स्कूल से आ जाए और फिर हम लोग निकले, तो आफ्टरनून में जा रहे हैं हम लोग। और एज आई टोल्ड यू कि व्यू बहुत ही अच्छा है, तो मैं बस यहाँ पे खड़े खड़े व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। हम लोग ने लंच ले लिया है, बस वियान का वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते वियान को लेने के लिए।
तो सबसे पहले मम्मी ने लिया है ये ड्रेस, और ये ड्रेस पूरा सेट है, सेट के अंदर है कुर्ता, प्लाजो एंड दुपट्टा। तो मम्मी का फेवरेट कलर है ब्लू, और हमेशा जब भी मम्मी शॉपिंग के लिए जाती है तो मम्मी कुछ ना कुछ ब्लू ज़रूर लेकर आती है। तो ये सबसे पहला ड्रेस है। उसके बाद में लिया है मम्मी ने ये कुर्ता, ये ग्लोबल देसी से है, और उसके नीचे जो ब्लैक लेगिंग्स है वो भी ग्लोबल देसी से ली है। और ये लास्ट में ये जो पहले वाली लेगिंग्स ही है और जो कुर्ता है वो ग्लोबल देसी से है। तो हम लोग आ गए हैं घर पर वापस, और मेरी मम्मी की शॉपिंग हुई है आज। मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया है। एक्चुअली हुआ था यूँ कि वियान को सिर्फ खेलने का मन था, वो जो वहाँ का जो प्ले एरिया है वहाँ पे सिर्फ खेलना चाहता था, एंड ही वॉन्ट्स कि मैं उसके बाजू में रहूँ, मतलब मैं उधर बैठ के देखूँ कि वो क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है। मतलब ही डोंट वॉन्ट कि डैडी बैठे, नानी बैठे, नहीं, उसे सिर्फ चाहिए था कि मम्मा बैठे और मम्मा देखे। तो मम्मी ट्रायल रूम में जाके भी मुझे बुला रही थी कि आप एक बार आके देख लो कैसा लग रहा है ना, लाइक वो मुझे आने ही नहीं दे रहा है। तो मम्मी ने भी खुद ही सिलेक्ट किया और लेकर आ गए। जयदीप को भी थोड़ा सा काम था तो वो उनका काम थोड़ा सा फिनिश कर कर आए। तो आज मुझे वियान के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी और मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद में हमें घर पे आने पड़ा क्योंकि जयदीप को जाना था अपने कुछ काम से, एंड मुझे भी करनी थी पैकिंग। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी पैकिंग। तो मैंने बैग पैक कर ली है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि एक ही बैग में सब कुछ आ जाएगा, ब्लैक वाली बैग के अंदर। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे स्विमिंग के लिए अलग करना है और नॉर्मल के क्लोथ्स के लिए अलग करना है, क्योंकि रिसोर्ट में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्विमिंग के लिए कॉस्ट्यूम्स लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जयदीप और वियान को स्विम करना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग एवरी सिंगल डे नीचे स्विमिंग के लिए जाते हैं। मैं कभी कभार जाती हूँ, लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, बट वो लोग एवरी सिंगल डे जाते हैं। इसलिए मैंने दो अलग अलग बैग पैक किए हैं, एक के अंदर सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम और स्विमिंग रिलेटेड थिंग्स है, और जयदीप ने टेबल टेनिस का भी अपना रैकेट ले लिया है, उन्हें टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक है। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स है तो वहाँ पे अगर टाइम मिला तो वो खेल लेंगे, तो वो ले लिया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने लाइफ गेम ले ली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने लोग लाइफ खेल चुके हैं और कितने लोगों को पसंद है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ लाइफ गेम का बॉक्स। तो ये है लाइफ गेम का बॉक्स, और बहुत ही फन गेम है ये, इसे खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसके अंदर 2 to 8 प्लेयर्स खेल सकते हैं, और मैं आपको कल के वीडियो के अंदर दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से खेला जाता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बताऊंगी। और ये फैमिली गेम है, इसको आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी खेल सकते हैं। तो अबव 8-9 ईयर्स के जो किड्स रहते हैं वो ईजिली समझ सकते हैं इस गेम को और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग बेंगलोर रहते थे और जब वियान नहीं था तभी हम लोग ये गेम बहुत खेलते थे। हमारे फ्रेंड्स आते थे हमारे घर पर नाइट स्टे के लिए, या फिर लेट नाइट हम लोग इसे खेलते थे। बट आफ्टर वियान बर्थ हम लोग नहीं खेले, क्योंकि वियान खेलने ही नहीं देता। मतलब ये होता है कि उसका टाइमिंग फिक्स है, इतने बजे उसको सुलाना है, इतने बजे उसको उठाना है, तो वो पूरा टाइम सेट नहीं होता था। और वी डोंट वॉन्ट कि फिर वो रात को ज़्यादा जगे, इसलिए फिर हम लोग उसको जल्दी सुला देते थे। और हम लोगों को, मुझे और जयदीप को स्पेशली, इसे रात में खेलने का बहुत ही मन होता है। मतलब फ्रेंड्स अगर रात में आए और हम लोग अच्छे से साथ में बैठे और गेम खेलें वो बहुत ही अच्छा लगता है। बट वियान के बर्थ के बाद हम लोग खेल ही नहीं पाए, और कल हम लोग लेके जा रहे हैं, तो लेट्स सी कितना मज़ा आएगा वहाँ पे खेलने, मतलब खेलने में। मैं आप लोगों को बताऊँगी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे वीडियो के अंदर। और अभी और मैं क्या लेके जा रही हूँ, हम लोग गोप्रो भी लेके जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं स्विमिंग पूल के अंदर शूट करूँगी तो गोप्रो लेके जा रही हूँ। उसके अलावा तो बस वही मेरे नॉर्मल कॉस्ट्यूम, थोड़ा सा मैंने इसी छोटे से पाउच के अंदर मैंने थोड़ा सा मेकअप ले लिया है, और मैं एक ये मेरा जो पर्स है वो मैं कैरी कर रही हूँ, ये वाला है। तो ये पर्स कैरी कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो जाना सिर्फ 1.5 डे के लिए है और इतनी सारी पैकिंग हो गई है। मैं पैकिंग इसे ज़्यादा एक्स्ट्रा करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कपड़े पहनने के बाद में ऐसा होता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, और वियान को भी कभी कभार वो चूज़ करता है मुझे ये पहनना है मुझे वो पहनना है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि
अगर पहनने के बाद में अच्छा फील ना हो या फिर मूड ना हो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा कपड़े ले लिए एंड मैंने मेरी आज इयर रिंग भी चेंज कर ली है, तो आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने इयर रिंग भी चेंज कर ली। तो बस अभी हम लोग डिनर लेंगे और फिर सो जाएंगे, तो कल सुबह जल्दी जल्दी हम लोग निकलेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और कल हम लोग बताएंगे कि हम लोग कौन से रिसॉर्ट में जा रहे हैं और कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, रिसॉर्ट कैसा है और सारी चीज़ें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।